हेलो एवरीवन, दिस इज मी मनोज, यू इंग्लिश कोच. वेलकम टू लव इंग्लिश. और आज के लेसन में हम बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे. प्रभावी रूप से कम्युनिकेशन को करने के लिए हम अपना जो सेल्फ एस्टीम है उसको बिल्ड कैसे कर सकते हैं, कैसे अच्छे से सेल्फ एस्टीम बना सकते हैं. सो वी हैव गॉट फोर टॉपिक्स दैट विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेसन. वैल्यू ऑफ अफर्मेशंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स. अफर्मेशंस क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, उनकी वैल्यू को हम डिस्कस करेंगे. वैल्यूज, गोल्स एंड पर्पस, जो हमारा लक्ष्य होता है, जो हमारी खुद की जो कीमत होती है और जो उद्देश्य होता है हमारा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे. हाउ टू टैकल सेल्फ लिमिटर्स. सेल्फ लिमिटर्स को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे फेस कर सकते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट इज क्रिएट मल्टीपल वेज टू हैप्पीनेस. खुश रहने के हम अलग अलग तरीकों को भी डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. द वैल्यू ऑफ अफर्मेशंस एंड कॉम्प्लीमेंट. एंड अफर्मेशन इज अ पॉजिटिव फीलिंग and thought that we have about ourselves consciously. Affirmation क्या होता है, ये positive feeling होती है, positive जो मैं feel करता हूँ, अच्छा जो मैं feeling करता हूँ, और जो अच्छे जो thoughts आते हैं, जो positive thoughts आते हैं मेरे mind के अंदर, उसको हम बोलते हैं affirmation. And compliment, a compliment is what we receive and give to others. Compliment वो चीज़ होती है जो हम दूसरों को देते भी हैं और दूसरे receive भी करते हैं. Compliment का हिंदी में मतलब होता है तारीफ. जब भी मैंने कोई अच्छा काम किया है तो लोग मुझे तारीफ देंगे, यानी कि वो मुझे कॉम्प्लीमेंट देंगे. अगर किसी और ने अच्छा काम किया तो मैं भी उनको कॉम्प्लीमेंट दूंगा. व्हेन गिविंग कॉम्प्लीमेंट इट विल बी मोर मीनिंगफुल व्हेन इट कंबाइंस एन ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट समवन हैज डन और हाउ दे हैव बीन विद इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू. तो जब भी हम किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, जब भी हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो वो तारीफ तब मीनिंगफुल होती है. उसका मतलब तभी होता है जब मैंने उनके जो काम करने का जो ढंग है और ऑब्जर्वेशन, मैंने उनके काम में ऑब्जर्वेशन देखा है, मैंने उनके काम के करने के जो तरीके को देखा है, तो मैं ऑब्जर्वेशन भी उनके साथ शेयर करूँगा. मैं उनको ये बताऊँगा कि जिस तरह से आपने काम को किया है वो मुझे वो तरीका अच्छा लगा है, या फिर आपने जिस तरह से ऑफिस रूम को जो डेकोरेट किया है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है. तो यहाँ पर हम सिर्फ तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम प्लस उनके जो काम का, जो काम करने का जो ढंग है वो ऑब्जर्व करके हम उनको बता रहे हैं, ताकि हम एक स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट हम उनको दें. इससे क्या होता है, इससे जो जिस पर्सन को हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं उस उनके और हमारे बीच में ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है. हाउ टू गिव कॉम्प्लीमेंट, हमें कॉम्प्लीमेंट तारीफ कैसे देना है, यानी कि तारीफ हमें लोगों की कैसे करनी है, उसको हम डिस्कस करते हैं. व्हेन अ कॉम्प्लीमेंट इज रिसीव, थैंक द स्पीकर एंड अवॉइड गिविंग एक्सप्लेनेशंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द स्पीकर अबाउट द पॉजिटिव फीडबैक. जब भी हमें कोई तारीफ मिलती है तो हम स्पीकर का, यानी कि जो हमें तारीफ, जो हमारे काम के लिए पॉजिटिव फीडबैक हमें दे रहे हैं, पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट हमें दे रहे हैं, तो हमें उनको थैंक यू बोलना है. और हमें लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत नहीं है, हमें उनको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है. तो हमें सिर्फ सिंपल सा उनको थैंक यू बोलना है जो भी हमें हमारे काम के लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहा है. अल्टरनेटिवली अफर्मेशंस कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन ऑन स्लिप्स ऑफ पेपर and delivered in person to each group member. और दूसरे तरीके से जो affirmations है या फिर compliments है, हम paper पर लिख के भी लोगों को दे सकते हैं. अगर वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, group में लोग हैं, तो हम हर एक person को paper पर लिख के भी compliments दे सकते हैं. इसका impact ये होता है कि जब वो अपने places पर, अपने घर वापस जाएंगे, तो उनके पास कुछ होगा जो हमने slip पर लिख के उनको दिया है, तो ये उनके memory में, उनके mind में काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा और इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव पड़ता है. दिस गिव्स पीपल समथिंग टैंजिबल. टैंजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट यू कैन टच, कोई चीज़ जिसको आप टच कर सकते हैं. तो क्योंकि मैंने उनको पेपर पे लिख के कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो ये घर वापस लेके जाएंगे, वो उसको रीड करेंगे, ये उनको रिमाइंड करवाएगा कि उनको किस अच्छे काम के लिए हमने कॉम्प्लीमेंट दिया है, और ये हमेशा हमेशा ये उनके माइंड में याद रहेगा. नाउ लेट्स डिस्कस अंडरस्टैंडिंग सेल्फ लिमिटर्स. सेल्फ लिमिटर्स क्या होते हैं. सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, और लिमिटर्स का मतलब होता है जो चीज़ आपको रोक रही है. तो सबसे पहला और जो सबसे कॉमन सेल्फ लिमिटर्स है वो है आई कैंट. बहुत बार ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पर मैं बोलता हूँ कि आई एम रियली सॉरी, आई कैंट डू दिस, दिस कैन नॉट बी डन बाई मी, मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ. तो जो आई कांट से जो आप सेंटेंस हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सेल्फ लिमिटर्स. डू यू टेल योर सेल्फ आई कांट, तो हम बहुत बार आई कांट बोलते हैं. हियर यू आर इमेजिनिंग द फियर टू बी बिगर देन यू,
और यहाँ पे हमें लगता है कि जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं तो जो हमारा डर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये बढ़ता है इसलिए क्योंकि मैं अपने माइंड में बार बार ये बोलता हूँ कि ये काम मेरे से नहीं होने वाला है। सो हमें क्या करना है, वी रियली नीड टू गेट ओवर दिस। हमें आई कांट जो सेंटेंस है इसको चेंज करना है। आई कांट के अलावा हमारे पास और भी सेल्फ लिमिटर्स है, जैसे कि कांट अफोर्ड इट, मैं अगेन मैं नहीं कर सकता, या फिर आई कुड नॉट डू इट, मैं नहीं कर सका, या फिर आई विल बी हैप्पी ओनली व्हेन, मैं खुश तभी होऊंगा जब, ऑब्वियसली दिस इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो बहुत बार हम ये बोलते हैं कि आई विल बी हैप्पी ओनली व्हेन आई हैव लॉट ऑफ मनी, मैं तभी खुश होऊंगा जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास जब पैसे नहीं होंगे तो मैं बहुत सैड होऊंगा, मैं उदास होऊंगा। तो ये तरह एक तरह का हमारे पास एक्सक्यूज़ है, ये बहाने हैं ये सारे जो हम अपने आप को किसी ना किसी सिचुएशंस में बोलते हैं, और हम बहुत बार रीजंस भी देते हैं, कारण भी देते हैं। आई वॉन्ट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है बट मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पैसे नहीं है मेरे पास। आई वॉन्ट बिकॉज आई डोंट हैव मनी, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर आई चूज नॉट टू, मैंने वो चुना नहीं बिकॉज आई हैड नो मनी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो ये सारे एक्सक्यूजेज हैं हमारे, बहाने हैं हमारे, और इन सबको हम बोलते हैं सेल्फ लिमिटर्स। एंड द लास्ट सेल्फ लिमिटर इज आई डोंट फील दैट वे नाउ बिकॉज, फिर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बिकॉज मैं लगा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये सारे हमारे क्या हैं, हमारे बहाने हैं, रीजंस हैं हमारे। सो दीज ऑल आर सेल्फ लिमिटर्स। मल्टीपल पाथ्स टू हैप्पीनेस। अब जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, उसके अलग अलग रास्ते हो सकते हैं और होते भी हैं। लो सेल्फ एस्टीम कैन बी वर्स इफ वन बिलीव्स दैट देयर इज ओनली वन वे टू हैप्पीनेस। जो सेल्फ एस्टीम है हमारा, जो हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सोचते हैं या फिर करते हैं, वो और बेकार हो सकता है अगर मुझे, मेरे दिमाग में ये है कि खुशी का सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं खुश होने का सिर्फ एक ही रास्ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लगता है कि एक कोई कंपनी है और उस कंपनी में मुझे अगर जॉब मिलती है मैं तभी खुश होऊंगा, तो मैंने अपने आप को बोला आई विल बी हैप्पी ओनली इफ आई गेट अ जॉब इन एक्स कंपनी। तो मैंने बोला कि एक्स कंपनी में जब मुझे जॉब मिलेगी ना मैं तभी खुश होऊंगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर मुझे इस कंपनी में जॉब नहीं मिलती है तो क्या मैं दुखी रहूंगा उतने टाइम तक? तो आंसर हमारा ऑब्वियसली नहीं। तो मुझे इस टाइप के जो सिचुएशंस जो मैं क्रिएट करता हूँ माइंड में, मुझे चाहिए कि मैं ऐसे सिचुएशन को क्रिएट ना करूँ। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, आई विल बी हैप्पी ओनली व्हेन आई लूज 10 kgs। मैं खुश तभी होऊंगा जब मैं अपना जो 10 किलो वजन घटाऊंगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैंने 2 किलो वजन घटा लिया तो क्या मैं सैड होऊंगा? बिल्कुल नहीं। थर्ड इज आई विल बी हैप्पी ओनली इफ आई विन अ लॉटरी। अगर मैं लॉटरी जीतूंगा मैं तभी खुश होऊंगा। सो ये सारे जो सिचुएशंस जो हम क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, और हमारे पास हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। अगर मेरे को एक्स कंपनी में जॉब नहीं मिलती तो मैं वाई कंपनी भी, अगर मुझे जॉब मिल रही है और अच्छी सैलरी में मिल रही है तभी मुझे खुश रहना है। 10 किलो अगर मैं वजन नहीं घटा पा रहा हूँ, अगर मैंने 2 किलो भी वजन घटाया तब भी मुझे खुश रहना है। अगर मैं लॉटरी नहीं भी जीतता हूँ तब भी मुझे खुश रहना है। सो वी हैव टू क्रिएट मल्टीपल पाथ्स टू आवर हैप्पीनेस। एक ही पाथ नहीं होना चाहिए, वी रियली नीड टू हैव प्लान बी। इफ आवर प्लान बी फेल्स देन वी कैन हैव प्लान सी एज वेल। तो हमारे पास इसको हम बोलते हैं मल्टीपल पाथ्स टू हैप्पीनेस। सो दिस वॉज दी ऑल अबाउट इन दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेसन एंड अटेंडिंग द सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एवरीवन। आज का लेसन अगर आपने इन्जॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें नॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने फीडबैक दीजिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेसन्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।